हाँ देखो ये जो स्थान ये गुरुदेव अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थान थिला गुरुदेव अन्य ब्रजमंडल जेते स्थान अच्छा को स्थान को से डाकतु बा कहा को न डाकतु किंतु गुरुदेव समस्त को कहते तुम निश्चित रूप से यही स्थान को आसव गुरुदेव का ये बहुत प्रिय ही था। भले ही गुरुदेव कहीं पर किसको बुलाए नहीं बुलाए लेकिन गुरुदेव सबको कहा करते थे जरूर ये तेरे कदम में आने का। बोले क्यों आने का कारण क्या? बोले जो गुरुदेव हाँ उड़िया में बोलेंगे उड़िया में बोलेंगे इसलिए बोले गुरुदेव क्यों सबको यहाँ पर बुलाने के लिए चाहते थे कारण क्या है? बोले उड़िया में दिल बोले उड़िया में बोल रहे विशेष बात है इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए अभी प्रश्न है गुरुदेव सबको यहाँ क्यों बुलाया करते थे कारण क्या है? बोले कारण ही ये श्री रूप गोस्वामी हम लोग रूपान हो गए इसलिए श्री गुरुदेव का जो नित्य सिद्ध स्वरूप है वो रमण मंजरी है। ये रमण मंजरी होने का नाते उनका ये सबसे प्रिय स्थान ये गुरुदेव का था। इसलिए हम गुरुदेव का देखा गुरुदेव जब यहाँ आते थे इतने गुरुदेव आविष्ट हो जाते थे इतने गुरुदेव आविष्ट होते थे और भी किसी स्थली में गुरुदेव को इतना आविष्ट हम देखने को नहीं मिलता था। इसलिए गुरुदेव यहाँ करके संपूर्ण उसी भाव में गुरुदेव डूब जाते थे। तेरे गुरुदेव समस्तों को यही स्थान को डाकु दिले बोले काहे की डाकु दिले ये स्थान होची श्री रूप गोस्वामी कर भजन स्थान। अमर जितने गोस्वामी माने अच्छा समस्त गोस्वामी माने यही रूपानुगत को प्रार्थना कर अमर भक्ति विनोद ठाकुर कौन कहते बोले सुनिया साधो मुखे बोले सर्व जाना श्री रूप कृपाए मिले जो गला चराया। ये भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन है। बोले जे पर्यंत रूप गोस्वामी कर कृपा न हो से पर्यंत राधा कृष्ण कर जुगल सेवा अधिकार नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर ये हेले साक्षात महाप्रभु कर प्रेमावतार से कौन कहते रूप रघुनाथ पदे आईबे आकोती कबे हम भोज बसे जो गल प्रीति रूप रघुनाथ पदे को प्रार्थना कर एवं श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते कबे लोकनाथ मोरे संग लैया जावे श्री रूपे पाद पद मोरे समर्पी। ये समस्त गोस्वामी माने गोटे चीज को प्रार्थना कर ले बोले कौन बोले केबे एमिति दिन हब आम मान रूप गोस्वामी के चरण को आश्रय ग्रहण करिबु। प्रश्न होची ये माने समस्त काहे कि रूप गोस्वामी के चरण को ये माने काहे कि आश्रय करिया पाई चाहुसती कारण कौन बोले कारण होची रूप गोस्वामी कर अनुगत्य छड़ा राधा कृष्ण कर जे जुगल सेवारे संपूर्ण रूप रे जीवर अधिकार नाही। तेनो आम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये हेले रूपानुग वर्ज्य तेणु से गोटे ग्रंथ लिखिछंती जहार नाम हेला विलाप कुसुमांजलि। एही विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ समस्त को पढ़िबा दरकार अछि काहे कि ना से विलाप कुसुमांजलि भीतर रूपानुगत्व कण आमे माने रूपानुगत को काहे स्वीकार करिबु रूपानुगत को स्वीकार करला हमको मिलिब कण से ग्रंथ रे से पूर्ण रूप रे से ग्रंथ भीतर से एही विषय टी अपूर्व रूप रे से प्रार्थना तेणु से कहते प्राण प्रेष्ट कुला अस्वम कचत भूमिता जेते बेले राधा कृष्ण से निकुंज रे जेते बेले लीला करछंती से निकुंज सेवा रे जो माने ललिता विशाखा आदि सखी माने अछंती जो लीला भीतर से माने मध्य प्रवेश करिया पाई संकोच बोध करंती किंतु यही रूप रूपा नुगत स्वीकार ग्रहण करले से लीला रे संपूर्ण रूप रे प्रवेश करी राधा गोविंद कर संपूर्ण लीला रस से सेवा अधिकार प्राप्त हो। तेणु ए माने देखिया पाई छोट छोट गुरुदेव उदाहरण दउथिले जे गोटे कदम वृक्ष अछि
ଗୋଟେ ତମାଲ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲତା ଚାଲିଯାଏ ବୋଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ବୋଲେ ଲତା ହେଲେ କିଏ ବୋଲେ ରାଧାରାଣୀ, ବୋଲେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ପତ୍ର ଆସିବ ବୋଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଫୁଲ ଆସିବ ମଞ୍ଜରି ଆସିବ ବୋଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଞ୍ଜରି ମାନଙ୍କ ଛଡା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅନୁଗତରେ ଯିଏ ମଞ୍ଜରୀ ମାନେ ୟାଙ୍କ ଛଡା ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେ ମଞ୍ଜରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେବା ରସକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ଥାନ ମହା ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ହଉଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନଭୀଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପିତମ ଜେନ ଭୂତଲେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ କଦା ମଧ୍ୟମ ତଥା ଦିଶୋପଦାନ୍ତିକମ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ମନଭୀଷ୍ଟକୁ ଜଗତରେ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ, ତେଣୁ ଏଇନେ ଯେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ ଜମ କଲି ରୂପ ନା ଶରୀର ନା ଧାରତ ତମ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ମହାନିଧି କୁଠାରିକ କୋନ ଭାରତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ସେ ଯେ ରସର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେ ରସ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ନେଇ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ ହଉଛି ରୂପ, ବୋଲେ ରୂପ କାହିଁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ କବି କର୍ଣ୍ଣପୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ସ୍ୱରୂପେ ଦୈତ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରେମାନ ରୂପେ ସହଜାବି ରୂପେ ତତାନ ରୂପେ ସ୍ୱବିଳାସ ରୂପେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରୂପ ସିଏ ରୂପ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତତାନ ରୂପେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତତାନ ମାନେ ବିସ୍ତାର କରିବା, ବିସ୍ତାର କରିବା ମାନେ ବୋଲେ ତେନେ ବ୍ରହ୍ମ ହୃଦା ଯୋ ଆଦି କବେ ମୁଝନ୍ତି ଯତ ସୁରୟ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିତେ ମହାପ୍ରଭୁ କିସକୋ ହୃଦୟ ମେ ସାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରତ ସ୍ଫୁରଣ କରାୟା, ଯେତେ ବି ଭାଗବତ ମେ ବତାୟା ବ୍ରହ୍ମା କୋ ହୃଦୟ ମେ, ଲେକିନ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିତେ ଆଦି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ନହିଁ, ଆଦି ଗୁରୁ କୌନ ହେ ବୋଲେ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଦି ଗୁରୁ ହେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜିନିକ ହୃଦୟ ମେ ସାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୋ ଇନିକେ ହୃଦୟ ମେ ସ୍ଫୁରଣ କରାତେ ହେ। इसलिए आदि गुरु श्री रूप गोस्वामी ब्रह्मा तो उनकी यहाँ ब्रज में पत्थर जन्म प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, बल ये क्या आदि गुरु, इसलिए आदि गुरु श्री रूप गोस्वामी गुरुदेव कहते हैं जिनके हृदय में महाप्रभु ने सारे तत्व ज्ञान को स्पूर्ण कराया। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे सर्वप्रथम उन्होंने प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी के हृदय में ये सारे चीज को उन्होंने स्पूर्ण कराया रूप गोस्वामी के हृदय में। और श्री रूप गोस्वामी को गुरुदेव कहा करते थे जैसे आपके पास में बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री है बिजनेस है, लेकिन उसका जो ट्रेजरी का चाबी काठी किसको दोगे, सबको नहीं दोगे, किसको दोगे, जिसको पता है इसको देने पर इसको फलते फुलाते रहेगा। इसलिए महाप्रभु ये चाबी काठी सबको नहीं दिया, श्री रूप गोस्वामी को उपयुक्त मान करके उन्होंने उनका चाबी काठी श्री रूप गोस्वामी को प्रदान किया। श्री रूप गोस्वामी ने ही इतना नहीं, जब श्री महाप्रभु ने देखा तुंडे तांडव बीतनुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्ररो कडमिनि घटयते कर्णाभ देव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनि रचयते सर्वेन्द्रियानां कृति नो जानि जनित किम अद्भुत कृष्ण दिवर्ण दोय। महाप्रभु तो सुन करके इतने उत्फुल्ल हो गए, उनका आनंद हृदय में समाया नहीं, फिर उन्होंने सारे भक्तों को लेकर आते हैं स्वरूप दामोदर राय रामानंद सबको, और श्लोक को सुन करके हरिदास ठाकुर नाचने लग जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं इस सबके सब श्री रूप गोस्वामी को बड़े कृपा करो जैसे मेरे मन अभिष्ट को से स्थापन कर सके। इसलिए श्री जीव गोस्वामी जब रूप गोस्वामी का एक अष्टक लिखे उसमें कहते हैं इनका नाम रूप क्यों है, बोले कारण है रूप, कहते ये स्वरूप दामोदर का रूप है, राय रामानंद का रूप है, सार्वभौम भट्टाचार्य का रूप है, सनातन गोस्वामी का रूप है, सबका रूप श्री राधा जी के रूप है, कृष्ण का रूप है, इसलिए इनका नाम रूप होने का नाते इतने सारे जो ग्रंथ गुरुदेव कहते थे उन्होंने कौन कपाट उद्घाटत प्रेम के भंडार को कपाट को कौन खोलता। गुरुदेव कहते दो कपाट क्या है, बोले के भक्ति रसामृत सिंधु और जो उज्जवल निर्मल जिसको से तीरथ महाराज जी बड़े सुंदर रूप में अभिव्यक्ति कर रहे थे। इसलिए जो स्थान है गुरुदेव का अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थान ये जम कली रूप जो ये कीर्तन को गुरुदेव यहीं पर बैठ करके अद्भुत रूप में गुरुदेव व्याख्या करते थे, सबको बुलाया करते थे। तेणु यही स्थान रे अमर श्री रूप गोस्वामी जितने भजन करुले थे सनातन गोस्वामी पाखक आसिले, सनातन गोस्वामी बड़ भाई रूप गोस्वामी छोट भाई, ताक भितर हरि कथा होता
हरिकथा हेबा समय रे रूप गोस्वामी चिंता करछंती बहु दिन पर श्री सनातन गोस्वामी आसिले बड़ भाई आसछंती ताको किछि खाइबा देना दरकार बोले कौन खइबी जे तो जंगल खइबी कौन तने से चिंता करले आंकू जहाँ जिनिस ना तांका आगे सब फीका ही जाए काहे कि ना कृष्ण कथा होची रसायन कृष्ण कथा कुहाई रसायन कृष्ण कथा कुहाई अमृत कृष्ण कथा कुहाई हृतिकर्ण अमृत कुहाई कृष्ण कथा को सही अमृत पान करिले जगत रे संपूर्ण जेते अमृत अच्छी समस्त अमृत ता आगे फीका ही जाए तेनु श्री हाँ कवि जयदेव कहछंती साधि माधिक चिंता न भवती सर करे कर्कसासी कृष्ण भक्ति रस को यदि कई थरे पान करती जगत रे जेते रस अछि समस्त रस ता आगरे फीका पड़ी जाए तो बोले लाली तू रखी करी पड़े जा हम खीर तैयार करबू किंतु से कृष्ण कथा शेष होनी जतला शेष होनी पूरी राधा रानी बुली बुली के आसले बोले मु ये खीरटा तैयार करछंती तने राधा रानी हेले सर्व लक्ष्मीमयी तने माधव महाराज कहुतिले ताको नियार किछ दरकार नै इच्छा करले मते सेटा खीर तैयार हे जीव से सर्व लक्ष्मीमयी संगे संगे से सुंदर खीर तैयार कर देले बहुत समय पर कथा शेष हेले जतले राधा रानी हां जतले सनातन रूप गोस्वामी कृष्ण को भोग लगेले तुलसी।